तलहा व्लॉग्स एंड किचन की तरफ से सलाम और आदाब। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आज चलिए आज हम बनाते हैं चुड़वा। चुड़वे के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/4 किलो चुड़वा ली हूँ मैं। मेरे अंदाजे से मैंने फलिन ली हूँ और फूले चने की दाल है और ये खोपरा है। चलिए अब हम बनाते हैं चुड़वा। चलिए हम चुड़वा तलना शुरू करें हैं। मैं खोपरा डालूंगी इसमें, थोड़ा फ्राई करेंगे हम इसको। इसे भी हम फल्ली फ्राई करेंगे। हम 2 मिनट रखेंगे इसको। हमारी खल्ली फ्राई हो गई है, इसी में मैं काजू डालूंगी और हमने वो फूले चने की दाल रखे थे वो भी इसी में शामिल करूंगी। चलिए अब हम इसको पूरा सा निकाल लेंगे। अब मैं पूरा इसी में डालूंगी। हम जो फ्राई करे थे वो सब निकाल ली हूँ मैं। अब इसी के अंदर अपन हम हल्दी डालेंगे। नमक डालेंगे। मिर्ची पाउडर डालेंगे। मैं मेरे पूरे अंदाजे से डाल रही हूँ। हम इसको पूरा मिक्स करेंगे। चलिए अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। मैं थोड़ी हल्दी डालूंगी इसमें तेल में। हम चुड़वा डालेंगे। हम जो फल्ली मिला के रखे थे मिर्ची नमक उसी में शामिल करेंगे। हमारा मैं एक चुड़वा निकाल दी हूँ, अच्छा करक हो गया है बहनों। अब मैं बाकी का जो चुड़वा है मेरे पास वो भी ऐसी तरीके से पूरा तल दूंगी। मैं दो लाल मिर्ची डालूंगी सूखी और
इनर पार्ट भी लगा रखे हैं। तुरवे में डाल देंगे, सूखी मिर्ची फ्राई हो गई है। मैं कलर चेंज नहीं करूंगी, और ऐसा कर रही हूँ, मैं इसी के अंदर ये भी शामिल कर दूंगी। हम मिक्स करेंगे, इसी में मैं शक्कर मिलाऊंगी, मैं इसी में शक्कर मिला रही हूँ। पब्लिक देखो, डालते जब भी शक्कर डाल के खाओ, मजा आता है। और थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा नमक गुरगुराऊंगी मैं इसी में। हम हैदराबाद के हैं बेटा, गुरगुराएंगे क्या, गुरगुराएंगे ऊपर से डाल दियो, बनना ऊपर से सब फिर आ गया बनना रहता है। ठीक आप जैसा, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से। पूरा मिला के बताते हैं, बोलो मैं पूरा मिला के बताते हैं। हमारा चुड़वा रेडी हो चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है, और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइए हमें भी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज मैं मटन के चॉप्स बना रही थी सूखे, मैं मेरे तरीके से बना रही हूँ, ऐसे हैं। ये आधा किलो चॉप्स ली थी मैं, ये पूरे चॉप्स उसी में इसमें कुकर में डालूँगी। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे। मैं मेरे पास जितना तीखा खाते हैं मैं उतने हिसाब से डाल रही हूँ, आप आपके हिसाब से डालिए बनाए तो आप। और मेरे रेसिपीज कैसे दिख रहे हैं आप लोग कमेंट में बताना, मैं भी खुश हो जाती मेरे व्यूवर्स मेरी तारीफ करें बल्कि। और आप लोग हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, हम थोड़ा सा अदरक लहसुन डाले हैं, और इसी में हम थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे। एक दफ़ा ट्राई करना व्यूवर्स मेरे। एक कप उतना पानी डाल के मैं इसको गला लूंगी। मैं गलने के बाद उसके बाद का स्टेप मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमारा मटन गल चुका है और पानी भी पूरा सूख गया है। मैं यहाँ पर एक अंडा मिलाई थी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अब हम इसमें डिप करेंगे,
हमारा तेल गरम हो रहा है। हमारा तेल गरम हो गया है, इसी में मैं ये चॉप्स डालूंगी। दो मिनट रखेंगे इसको। इसे लाल से तो निकालें। हमारे चॉप्स कंप्लीट हो गए हैं, अच्छा कलर आया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसी हुए हैं। मैं इसको निकालूंगी, डिश आउट करूंगी। अब मेरे बाकी का जो भी मटन है वो पूरा ऐसे ही तल के निकालूंगी। कंप्लीट हो गए हैं, इसी पर मैं चाट मसाला डालूंगी थोड़ा सा हमारे टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ये नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा डाल लें, एक हाफ टी स्पून। उसी पर हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व्यूअर्स, देख के खामोश में बैठो बहनों मेरे, आप लोग भी हमारा सपोर्ट बनिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके हमारी वीडियोस को फैलाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकअल्लाह। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।